इन सपूतों ने कौम के सपूतों ने जिनके बारे में वो मरहुमा ने कहा था कि पुत्र हटाते नहीं लबे, उन्होंने अपनी जानें हथेली पर रखकर अपनी कौम के माओ और बच्चों और बुजुर्गों और जवानों को बचाया और इस दहशतगर्दी का कला कम किया। और उनके बारे में इन्होंने जो कुछ किया 9 मई को, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये काम कभी इस दिलखराश वाक्य को कभी नहीं भूलेगी। और मैं आपको आज फिर बड़ी आजी से, हमारे दिल में कोई इंतकाम नहीं, कोई वेंडेटा नहीं है, बखुदा मैं आपको बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने इस कौम के शहीदों और गाजियों की बेहुनती की है और उनके यादगारों को पांव तले रोंदा है और उनको गाली गलौज किया, जाके अपना कायदे आजम हाउस को जाके वहाँ पर उसको राख बनाया और पूरी दुनिया को बताया कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम दुश्मन हैं, तो हम स्पीकर उनको कानून और आईन के कटहरे में खड़ा करना होगा। अगर उनको उनसे रियायत बरती गई तो मेरे मुंह में खाक, ये मुल्क नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे कोई हम मुनकसम मिजाज नहीं है, सवाल पैदा नहीं होता। हमें नवाज शरीफ की ट्रेनिंग है, देखिए कि हमने क्या क्या, हमने बड़ी बड़ी मुसीबतों को हमने उसको बड़ा हमने तहमल से बर्दाश्त किया। पीपल्स पार्टी ने कितने कितने बड़े दिलखराश वाकयात को सब्र और तहमल से बर्दाश्त किया, मगर ये वाकया ऐसा है जो मेरे और आपकी ये कंट्रोल से बाहर है, ये कौम की अमानत है। मैं इंशाल्लाह ये कौम की अमानत कौम को लुटाऊंगा इंशाल्लाह।